Sir Tayyab Rana, business coordinator of Herbyzone, is working for the marketing of superfood crops. He has introduced many products of superfood crops, including quinoa, chia, and moringa. Sir, please come on the stage for talk on Moringa marketing in Pakistan. Ghazi can see in front of to organize a very good seminar on superfood crops and invite me as a guest speaker on Moringa. Moringa ke guru baithe hon, wahan Dr. Basa sahab baithe hon, wahan pe hamare jaise chote log jo hain, wo kya keh sakte hain aur uske upar kya bata sakte hain. But ye Dr. Basa sahab ka ek shafqat hai हमारे ऊपर कि वो हर जगह पे इंकरेज करते हैं और सपोर्ट देते हैं और हर हवाले से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं. मोरिंगा के ऊपर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा हर्बिज़ोन के बारे में, ताकि आपको सारी चीज़ें मोरिंगा की मार्केट कैसे डेवलप हुई और अभी इसके अंदर कितना बिजनेस पोटेंशियल है, किन किन एरियाज़ में वो उससे आम आदमी जो है ना वो फ़ायदा ले सकता है और एक बिजनेसमैन उससे कैसे फ़ायदा ले सकता है. हर्बिज़ोन ने अपना जो है बिज़नेस का आगाज़ 2011 से किया था. हम बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे थे, कि पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल मेडिसिन के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा था, खसूस हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर. और हर्बल एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो रॉ हर्ब्स को यूज़ किया जाता है. रॉ हर्ब्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका लिक्विड और वाटर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज होता है. और उसकी एक मार्केट भी बहुत अच्छी है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है और वो सप्लीमेंट की तरफ उनका ट्रेंड बढ़ रहा है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से आ रही है. हमने सोचा कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि पाकिस्तान में हो सकती हैं और जिनका मार्केट पोटेंशियल बहुत सारा है. बहुत सारी सामने आई, लेकिन उसमें से जो मोरिंगा था वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है. दो तरह से मुझे लगा, हम मार्केट के लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने एंड से देखते हैं, जिस तरह से एक पुलिस वाला आदमी हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है कि इसमें भी ऐसा ही होगा. तो मोरिंगा के लिए जब हमने देखा कि हम इसको कैसे मार्केट कर सकते हैं, थोड़ी इसके ऊपर डाटा देखा, इवन मेरी बसा साहब से जब बात हुई, मैं इनके पास गया, इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मुझे बताया कि इसमें तो आप ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है, ऐसे भी हो सकता है. तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया. काम शुरू इस तरह से किया कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो है अपने जो हर्बल मेडिसिन के लिए जो प्रोडक्ट हमने बनाए, न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड बनाए, और मेरा ख्याल है कि वो भी पाकिस्तान में पहले प्रोडक्ट होंगे जो कि हमने ट्रैप की रेगुलेशन में मोरिंगा का कोई प्रोडक्ट जो बनाया वो हर्बिज़ोन ने बनाया, और उसको हम आगे आगे मतलब लेके चलना शुरू हो गया. मार्केट चलती रही. जब 2017 में मीडिया के ऊपर इसको बहुत अच्छी कवरेज मिली, डॉक्टर साहब की जो ना वो आउटस्टैंडिंग वर्किंग इसके ऊपर जो ना वो रंग लाई, तो हमें ये महसूस हुआ कि मोरिंगा से अब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अर्न किया जा सकता है. तो अर्न करने के लिए देखना ये था कि कौन सी फील्ड है जिसमें इस पर हम जो है ना वो अच्छा अर्न कर सकते हैं. तो पाकिस्तान में जो है, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि हमने आबादी में बड़ी तरक्की की है. 1992 में हम 10 करोड़ थे, आज हम जो है ना वो 22 करोड़ से ऊपर चले गए. इसमें तरक्की करने की स्पीड हमारी बहुत सारी है. तो इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मार्केट है लाइव स्टॉक की. अगर हम अपने सरकारी अदादो शुमार देखें तो 22 करोड़ हमारे पास लोग हैं और कोई 18 करोड़ के लगभग हमारे पास जो है ना वो लाइव स्टॉक है, जिसमें गाय भैंसें भेड़े बकरियाँ घोड़े और मतलब पेट वेट सब मतलब उसमें आते हैं.
दोनों मार्केट को जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि ये जो मेडिसिन की मार्केट है इसमें रेगुलेशंस बड़ी टाइट है, लाइक आपको ड्रैप के लिए सर्टिफिकेशन और बहुत सारी लंबी चौड़ी पूरा सेटअप आपको वो बनाना है और हर चीज़ के ऊपर वो है, तो वो बड़ा मतलब ज़रा एक मुश्किल मतलब जो है ना वो मरहला है जिसको पार करके आप इस मार्केट को टच कर सकते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल की मार्केट है ये इसकी निस्बत कंपैरेटिवली आसान है कि रेगुलेशन हैं तो सही लेकिन उतनी टाइट नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कुछ नहीं कर सके। एक आम आदमी जो है एक छोटा बिजनेसमैन जब इसके ऊपर उसको बिजनेस पे आए तो उसको बहुत सारी हर्डल्स आती हैं कैरियर के स्टार्ट में जो कि उसको डिसअपॉइंट कर देती हैं और वो छोड़ के साइड पे हो जाता है कि नहीं यार ये मैं काम नहीं कर सकता। तो लाइफ स्टॉक मार्केट को हमने टारगेट किया और 2017 में एक चीज़ है हमारे यंगस्टर्स में और मैंने देखा है तमिलनाडु आपके आपको आइडिया होगा वो एक मिनी अफ्रीका हुआ करता था जहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े शदीद किस्म की गर्मी और कोई इनकम का सोर्स जो है वहाँ पे बहुत कम होता था। 2017 में जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने लाइफ स्टॉक पर कुछ काम करना है तो हमने सोचा कि तमिलनाडु दुनिया में सबसे ज़्यादा मोरिंगा होता है वहाँ पे उनको ट्राई किया जाए और वहाँ से मतलब लो कॉस्ट आप प्रोडक्ट मंगवाएं बीज मंगवाएं। आप यकीन करें कि तमिलनाडु के जो लोग हैं जो फार्मर हैं उस उनके बच्चे पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, इंग्लिश मतलब फ्लुएंसी तो क्या बोलने की सही नहीं आती, वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने उसकी सीड। जब मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपना सेटअप दिखाओ अपने जो है ना वो अपना स्टॉक वेयर हाउस सारी चीज़ें दिखाओ तो उसने जो मुझे इमेजेस दिए उससे ये मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये बिल्कुल छोटा सा सेटअप है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आईटी में वो उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि हर काम में वो वहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। शायद हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इसके ऊपर आए नहीं हैं, हम हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और लेकिन उस तरह जो हम यूटिलाइज करते हैं वो उस तरह से नहीं करते, हमारे माइंड में नहीं आता है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। मेरी ऑलमोस्ट 8 to 9 वर्किंग आवर्स इन अ डे मेरी ऑनलाइन जो मेरी वर्किंग होती है तो शायद ही कभी ऐसा हो कि मैंने अपना कोई पर्सनल मैसेज चेक किया हो, शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई एंटरटेनमेंट की साइट पर मैं गया हूँ। हमेशा से ऐसे होते हैं कि बिजनेस आपका सोशल मीडिया आपका व्हाट्सएप आपका जो है ना वो ट्विटर अकाउंट गूगल के ऊपर आपके जो है ना वो फ्री एड पोस्टिंग ये सारे मतलब इतनी सारी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिनको आप अवेल करते हुए एक अपना बिजनेस सेटल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम देखते होते हैं फसलाबाद यूनिवर्सिटी में जो एग्रेरियन पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ एग्रेरियन नहीं वो एग्री बिजनेसमैन जो है ना वो बनते जा रहे हैं, उनकी जो अप्रोच है और उनको उस तरह से डेवलप किया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में उनको ऐड किया जाता है, उनको बताया जा रहा है कि भाई आपने डिग्री लेने के बाद जो है ना वो ये कोशिश नहीं करनी कि भाई अब ऐसे तैसे करके कहीं जॉब हो जाए, वो जब वो डिग्री लेके निकलेंगे आई एम श्योर कि ये तारक तमीज सब का किया जा रहा है बहुत कुछ इसमें, तो जब वो डिग्री लेके निकलेंगे ना तो वो डिसाइड कर चुके होंगे कि हाँ मैंने इस अपनी इस कैटेगरी में सर्विसेज तो देनी ही है अपनी मार्केट में लेकिन उसके साथ साथ ये वाला जो मेरा बिजनेस है उसको भी मैं डेवलप कर दूँगा। अभी कुछ शिक्षक से जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ से जब निकलें तो हम सिर्फ डिग्री लेके ही ना निकलें, हमको अपना वो पूरा सामान लेके निकलें कि जिसके साथ हम अपना एक सेटअप जो है चाहे छोटा ही सही हम वो लगा सकें। हम एक है कि हम हर चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट ने ये नहीं किया लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी मेहनत के ऊपर आपकी उस वर्किंग के ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जिसने आपको जो है ना रिटर्न दे। हमारे हाथ में मेहनत करना है और अगर हम मेहनत करें तो उसका रिटर्न जल्दी या देर ज़रूर मिलता है, ये मेरा मतलब ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आप शुरू हो जाएं
तो उसके लिए जो है ना वो आपको मतलब रिटर्न जरूर मिलता है। आगे बढ़ते हैं जी, काम कर रहे हैं और कुछ मेडिसिनल क्रॉप सर्टिफिकेट भी करवाते हैं, स्पेशली मोरिंगा हमारी स्पेशल क्रॉप है, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मोरिंगा मार्केट इन पाकिस्तान, जब मैं मोरिंगा की बात करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं बात करूँ तो मैं किस सेक्टर को छोड़ूँ और किस सेक्टर को पकड़ूँ कि मोरिंगा कहाँ यूज नहीं हो सकता, वो कौन सा ऐसा सेक्टर है। पिछले 3 साल से जब हम इसके ऊपर काम मैं कर रहा हूँ तो हर दिन एक नया सेक्टर जो है ना वो सामने आता है जिसके ऊपर मोरिंगा इस तरह से फिट होता है कि जैसा से मोरिंगा बना ही इस सेक्टर के लिए। डेयरी सेक्टर को हमने जब टारगेट किया तो हमें देखा कि सबसे ज्यादा जो मोरिंगा की कंजम्पशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अभी डेवलपमेंट फेज में थे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कोई इसको फूड के ऊपर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, कोई मेडिसिन के ऊपर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, कोई इसको जो है ना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त हम ये सोचते थे कि मोरिंगा अभी पाकिस्तान में जैसे ही अब एंटर हो रहा है तो ये बड़ा सक्सेसफुली जो है ना वो आगे निकलना चाहिए, इसको मतलब सक्सेसफुली मार्केट में जाना चाहिए। तो जो सबसे आसान मार्केट हमें नजर आई वो लाइफ स्टॉक की नजर आई, एग्री मार्केट नजर आई कि एग्री मार्केट में मतलब बात करें एग्री मार्केट जो है ना वो बीइंग अ मार्केट रखो मैं कहूँ कि एक तरह से मुश्किल भी है और एक तरह से आसान भी है। मुश्किल इस तरह से है कि जो फार्मर है ना वो अपने जो फोर फादर्स के जो मतलब है ना तरीके उससे इतनी जल्दी बाहर नहीं आता कि नहीं जी मैं तो मतलब ऐसे तो होता ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं रहा, कोई मतलब है तो बताएं। लेकिन दूसरी तरफ से आसानी इस तरह से भी है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो फौरन उस चीज़ को अडॉप्ट भी करते हैं और उसके ऊपर एक मतलब जो है ना वो कॉस्ट भी लगाते हैं और कुछ जो है ना वो नया करने की कोशिश भी करते हैं। तो फार्मर की जो मार्केट है उसमें मतलब उसको मार्केट करना, मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट करें तो ये बड़ी आसान मार्केट मुझे नजर आती है। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि मोरिंगा मार्केट में दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स हम अपने एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक हमारा जो टी है और हमारे जो कैप्सूल्स हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें जो है ना वो लोकल मार्केट में। ये हमारे कुछ मतलब ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं बायबैक की जो है ना वो गारंटी के साथ, कि फार्मर का फार्मर हमारा बहुत टैलेंटेड है, हर चीज़ ग्रो कर सकता है लेकिन उसके पास मार्केट नहीं है। टमाटर के ऊपर वो दिन रात मेहनत करके इन्वेस्ट करके वो बड़ा खूबसूरत वैरायटी का वो हर चीज़ पैदा कर लेता है लेकिन जब बेचने की बात आती है तो वो वहाँ पे जो है ना वो मार खा जाता है। अगर आप हम अपनी जैसे 70% हम अपना जीडीपी में एग्रीकल्चर आ रहा है, अगर हम अपने फार्मर को अच्छी मार्केटिंग दे देना तो हमारी ये जो सेक्टर है ना ये इससे डबल जो है ना आउटपुट दे सकते हैं। तो जो रूटीन की फसलें हैं बीट राइस और तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ह्यूज वॉल्यूम के ऊपर जो है ना वो आती है लेकिन फार्मर को उसका जो आउटपुट है वो बड़ा कम मिलता है। गंदम मतलब 1200 रुपये मान, आप टमाटर पोटैटो तब देखेंगे कितनी उसकी करने के बावजूद कि ऐसा भी होता है कि वो खेत से ही नहीं उठाया जाता कि यार वो पॉज करके मिलना कुछ नहीं है उसके ऊपर, उसको चलो रहने दो इधर ही, ठीक है। तो ऐसी फार्मर को ऐसी क्रॉप की तरफ जो ना वो डाइवर्ट करने की ज़रूरत है जो कि उसको रिटर्न अच्छा देती है, ठीक है। एक चीज़ आप सब लोग जो है ना वो एग्री करेंगे मेरे से कि न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हमेशा से जो इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर लोग काम करते हैं या जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं ना वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। उसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 बेनिफिट नज़र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपके कंपेटिटर ढेर सारे नहीं होते, आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं आपके कंपेटिटर ढेर सारे नहीं हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो अच्छी है। जब आपके पास कंपेटिटर बहुत सारे होते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे चली जाती है, ठीक है। और फिर आप एक प्रोमिनेंट जो है ना वो एक अपने उस बिजनेस कैटेगरी में आप एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो और प्रोमिनेंट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि आप यूनिक काम कर रहे होते हैं, लोग आपको फोकस कर रहे होते हैं।
तो जो तो हर्ब ग्रोइंग है वैसे तो ये यूनिक नहीं है. वैसे तो अगर हम देखें तो पिछले कई उससे हर्ब्स ट्रेड भी हो रही हैं, प्रोसेस भी हो रही हैं, दवाइयाँ भी बन रही हैं, लेकिन वो सारा एक ऐसा सेटअप है जिसमें बिजनेसमैन कम है और जो बेचारे दिहाड़ीबाज हैं वो ज़्यादा है. कैसे कि जितनी भी हर्ब्स या तो इम्पोर्ट होती हैं और या फिर जो है लोकली कलेक्ट होती हैं, और वो जो कलेक्ट करने वाला बंदा है वो अदर देन दिस कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको रोज़ाना कलेक्ट करके बस इतनी मिल जाए उसका दिन का जो है ना वो खर्चा निकल जाए तो वो उसको बेच देता है. ठीक है, लेकिन इस छोटे से सेटअप के साथ भी अगर हम अपना पोटेंशियल देखें कि अगरी मंडी और पापड़ मंडी एशिया की जो हर्ब सप्लाई करने वाली बड़ी मार्केट्स में उनका शुमार होता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है. और अगर इस हर्ब्स को अगर हम खुद कल्टीवेट करें और कमर्शियल पौधे की फॉर्म में इसको कल्टीवेट करवाएं, तो मतलब इसके ऊपर जो है ना वो हम कितना बिजनेस ले सकते हैं. बीइंग मतलब एक एग्री कम्युनिटी के, यही हमारी जो है ना वो एक स्पेशल फील्ड भी है. आपके सामने जो है मार्केट ट्रेंड आप इंडिया का देख लें कि उनका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ हर्ब्स के ऊपर जा रहा है. जो है ये सलाह बात चाह रहा है कि कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली मार्केट किए जाते हैं जिससे जो है ना वो डेली फार्मर जो है ना उससे बेनिफिट लेता है. ये एक मोरिंगा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो ब्रांड बना हुआ है ये किसी इंडियन कंपनी का है. ये उन्होंने इससे बंडा जो है ना वो बनाया है, और ये बंडा ना सिर्फ उनकी लोकल मार्केट में बिक रहा है बल्कि गल्फ इसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और हमारे लिए गल्फ की मार्केट बड़ी आसान है एज कम्पेयर टू यूरोप या फिर जो है ना वो आप दूसरी मार्केट्स में देखें, तो ये गल्फ की मार्केट हमारे लिए बहुत आसान है. ये इससे बड़ा जो है ना वो इससे हमारी एक फील्ड कंपनी से बातचीत चल रही है, अगले 6 महीने में इंशाल्लाह मोरिंगा का बड़ा भी जो है वो इसमें आ जाएगा. एक और बहुत आसान इसका बिजनेस है कि आप इसके पौधों पत्तों को डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेट करके इसका डेयरी फॉडर बना दें. मोरिंगा में 2 ग्रेड चल रहे हैं, एक फूड ग्रेड एक फीड ग्रेड. जो फीड ग्रेड है वो डेयरी पाउडर के फॉर्म में है, डिहाइड्रेट करके इसका पाउडर बनाएं उन लोगों के लिए जो मुर्गा कल्टीवेट नहीं करते. जैसे कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, कराची की डेयरी मार्केट, कि जिसमें उन लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो लोग जो है ना वो अपना लगा नहीं सकते और वो जो है ना उस यही चीज़ हो सकते हैं. एग्री सेक्टर में इसकी यूटिलाइजेशन बसा साहब ने और आप लोगों को जो है ना उसके बारे में बहुत सारा आइडिया होगा. पोल्ट्री में मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स और वो मिल जाएंगे, लेकिन जब हमने इसको प्रैक्टिकली किया ना तो वाकई ये प्रैक्टिकली बहुत इफेक्टिव नज़र आया. अब देखें लास्ट डेज में हमने की कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पोल्ट्री मीट के ऊपर कुछ हेल्थ जो है ना वो थ्रेट्स सामने आए, कि लोग जो है ना वो देसी जो है ना वो मुर्गियों की तरफ जो है ना वो उनका ट्रेंड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है. इवन रैपिड फार्मिंग भी इसी वजह से उसको गैप मिल रहा है. पहले तो पोल्ट्री की मार्केट बहुत बड़ी होती थी, तो पोल्ट्री फार्मिंग में भी ये अंडों को बढ़ाने के लिए, सेहत इम्प्रूव करने के लिए जो है ना वो अपनी फीड की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है. क्योंकि ये जानवर जब खाता है तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा पीता है, तो पर फ्लॉक जो है जो प्रैक्टिकली है जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम उनको 200-250 किलो आपका जो फीड है ना वो एक फ्लॉक में से बच जाती है जब आप इसको मोरिंगा को एज अ फीड इनके लिए यूज़ करते. न्यूट्रिशन की जो मार्केट है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी मार्केट है. पाकिस्तान में मोरिंगा को अगर हम मैल न्यूट्रिशन के ऊपर उसके साथ रिलेट करके मार्केट करें तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट होगी. आप देखें कि हमारे किस तरह से स्टंटेड ग्रोथ है हमारे बच्चों की, खवातीन हमारी जो है ना वो स्टंटेड मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और खसूसन ये जो है ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बेसिकली ये मोरिंगा जो है ना वो उनके घर की पैदावार हो सकता है. हमें सिर्फ उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि आप इसको खाएं, तो वो ना सिर्फ खाएंगे अब हर बंदा लगा नहीं सकता, डेफिनेटली उसने बाय करके ही जो है ना. फूड सेक्टर के अंदर जो है अभी तक हमारे यहाँ बहुत कम मतलब हुआ है इस हवाले से, लेकिन इंडिया में तो अब कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गई हैं. पुली पुली फूड मतलब US बेस्ड कंपनी है, वो उसके ऊपर बहुत सारे काम कर भी रही है,
और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में डेवलप हो चुके हैं, हमारी लोकल मार्केट में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसके प्रोडक्ट भी जो है ना वो फूड के प्रोडक्ट भी नजर आने चाहिए। एंड आई होप कि जो है एक चीज मैं आप सब लोगों से जाते हुए कहना चाहूँगा कि जब हम अपना कैरियर का स्टार्ट करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वाकई हम बगैर पैसे के सिर्फ अपनी स्किल्स, अपनी एफर्ट्स और अपना टाइम लगा के कर सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर लें तो आपके पास तो अभी ब्रांड को डेवलप करना तो इतना आसान हो गया है कि इससे पहले लोग ब्रांड को डेवलप करते हुए उनकी बड़ी लंबी थोड़ी कॉस्ट होती आती थी, अभी भी कॉस्ट आती है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग ने बहुत चीज़ें आसान कर। थैंक यू सो मच।